3,000 बिटकॉइन उन्होंने खरीदे हैं, एक दिन में 6,000 की बिटकॉइन की प्राइस में आई है जंप, ठीक है। इनटू अगर हम अपने यहाँ के हिसाब से देखें, अगर 80 रुपये भी लगा के चलते हो आप डॉलर, तो एक दिन में पता है आपको कितना फ़ायदा इन्होंने ड्राइव करा है? एक दिन में इन्हें प्रॉफिट हुआ है 150 करोड़ रुपये का। बहुत सारे भाइयों को एक ही दिक्कत आ रही थी, बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि भाई बाइनेंस जितने ना तो कॉइन कहीं पर लिस्टेड है, ना ही बाइनेंस की तरह हमें कहीं पे फ्यूचर ट्रेड करने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बाइनेंस पे अवेलेबल थी, लेकिन हम बात करें इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में तो वहाँ पे वो सारे ऑप्शंस है ही नहीं। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी बोला कि यार मैं भी तो वही यूज़ कर रहा था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाइनेंस पे ईज था लेकिन यहाँ पे उतना वो फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है। तो एक एक्सचेंज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और मेरे को लगता है कि वो सारी फैसिलिटीज़ जो आपको वहाँ मिल रही थी यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। परसों की बात है, मैं आपको बता रहा था कि भाई जब ये 51.5 के और 53,000 के बीच में जब ये ट्रेड कर रहा था, तो हम जो कह रहे थे कि यार मेरे को ये लगता है स्ट्रांगली कि यहाँ से जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ होगा। तो कल हमने देखा कि भाई ब्रेकआउट हुआ हमारे ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दिन में 10% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली। वहीं पे एक सबसे बड़ी बात और, ये माइक्रो स्ट्रेटजी की एक न्यूज़ आ रही थी कि भाई जो माइकल स्लेयर हैं उन्होंने कल ये बताया, अभी से कोई 8 घंटे पहले की बात है, उन्होंने बताया कि भाई हमने 3,000 और बिटकॉइन खरीदे हैं, 3,000 और बिटकॉइन। और ये आप एक गणित लगा के देखो छोटा छोटा सा, कि पहली बात तो क्या उन्हें पता था कि मार्केट में कितनी बड़ी जंप आने वाली है, 10% की जंप आने वाली है। उन्होंने खरीदे 3,000 बिटकॉइन जिनकी कीमत होती है मेरे हिसाब से शायद 250 या हाँ 150 मिलियन US डॉलर होती है इसकी कीमत। अब आप एक चीज़ लगा के देखिए, 3,000 बिटकॉइन उन्होंने खरीदे हैं, एक दिन में 6,000 की बिटकॉइन की प्राइस में आई है जंप, ठीक है। इनटू अगर हम अपने यहाँ के हिसाब से देखें, अगर 80 रुपये भी लगा के चलते हो आप डॉलर, तो एक दिन में पता है आपको कितना फ़ायदा इन्होंने ड्राइव करा है? एक दिन में इन्हें प्रॉफिट हुआ है 150 करोड़ रुपये का। तो ये होता है व्हेल्स का गेम। तो मेरे को लगता है कि यार इन्हें सारी कहानी पता होती है मार्केट में किस तरफ क्या मूव आने वाला है, बट हम भी उसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हम देख रहे थे कि भाई ये यहाँ से न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। तो इतनी सारी जब चीज़ें एक साथ होती हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको इतना तो श्योर हो जाना चाहिए कि यार मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो मार्केट का तो भी यही है। अब देखो, हो सकता है कि आगे वाले दिनों में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि हालविंग से पहले एक करेक्शन ज़रूर आता है, क्योंकि बहुत सारे वेल्स जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वो वहाँ पर अपनी एंट्रीज बनाते हैं। अगर हम इनकी माइकल स्लेयर की बात करें, तो इनकी परचेजिंग थी हमारी 51,800 पे, और अभी हम देखें तो कुछ 56,000, 56,500 के समथिंग पे कहीं हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब 6,000 पर बिटकॉइन इन्होंने छाप दिया एक दिन में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक बार एक्सचेंज के बारे में। तो जो हम बोल रहे थे, एक बार इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। सबसे प्यारी जो चीज़ है इसके बारे में वही है कि मेरे को इसका इंटरफेस एक तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आप यहाँ पर देखोगे बाय क्रिप्टो पर अगर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्विक बाय का जैसे हमारा वजीरेक्स में भी था, P2P का, और फियाट डिपॉजिट का, कि भाई जो भी आपको यहाँ पे INR डॉलर जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो बेस्ट पार्ट है इसका, वो मार्केट का। आप ये देखो, ये हमने मार्केट खोली और मार्केट में हमें ये अभी हमने ऑल क्रिप्टो पे कर रखा है, तो ऑल क्रिप्टो। अब हमने इसे जैसे ही स्पॉट पे करा, इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि अभी तक क्या होता है, हमने बोला कि यार AI टोकन्स देख लेते हैं कौन सा अच्छा AI टोकन है, वो हम खरीदेंगे, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि AI टोकन्स होते कौन से हैं। तो जैसे ही हम यहाँ AI टोकन पे क्लिक करेंगे, तो हम देखेंगे कि सारे जो हमारे AI टोकन्स हैं वो यहाँ पे खुल के आ गए। अब हम इसमें यहाँ पीछे इनकी डिटेल्स भी है, डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और इसी में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन कितने परसेंट कब बढ़ा है। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत ही बेस्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको कैटेगरी समझ में आ जाती है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये वाली जो कैटेगरी है ये भी ट्रेंड में है, और उसका एक कॉइन छांट के आप यहाँ पे उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी आगे चीज़ों की, स्पॉट का इन्होंने अपना अलग यहाँ पे एक ऑप्शन बना रखा है, ठीक है। उसके बाद में डेरिवेटिव्स का इन्होंने अपना अलग यहाँ पे एक ऑप्शन बना रखा है, और जैसा कि हम बता रहे थे कि डेरिवेटिव में यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी, यहाँ पे हमें फ्यूचर भी मिल जाएगा और यहाँ पे हमें परपेचुअल फ्यूचर भी मिल जाएगा, जो बहुत जगह पे नहीं था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉपी ट्रेडिंग पे। कॉपी ट्रेडिंग में आपको एक दिन अलग से समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड है, और मेरे को लगता है कि ये चीज़ आप जब ढंग से समझ जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वेल्थ का ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाता है, यूज़र रिवार्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है, मोर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें बहुत सारी यहाँ पे हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बेस्ट चीज़ मुझे इसके बारे में लगती है, जो मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो ये है कि इन्होंने हमें अभी के लिए ये ऑफ़र दिया है, ये मेरी आईडी से बना हुआ है, ठीक है। सो मैंने
देखो मैंने आपको पहले कई बार ये बोला है कि मैं तब तक किसी चीज़ को रेफर नहीं करता जब तक मैं उस चीज़ को खुद यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं इसे खुद यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे फंड्स हैं, ठीक है, यहाँ मैंने फ्यूचर ट्रेड और ट्रेड दोनों स्टार्ट कर दी हैं ऑलरेडी करना। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता चलूँगा। फिलहाल इतना है कि इन्होंने भाई ये मेरे बिहाफ पे बनाया है कि अगर कोई इस वाली आईडी से लॉग इन करता है तो उसके बाद में अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो ये आपको $50 देंगे फ्री में, 300 करते हो तो $100 देंगे, 500 करते हो तो $150 देंगे, 1000 करते हो तो 200, और ऐसे ही करके $10,000 तक अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हो तो ये आपको 2000 जो डॉलर है वो आपको एज अ बोनस वहाँ पे मिलेगा। इसके लिए आपको मेरी आईडी के थ्रू जाना पड़ेगा और इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो। अगेन पहले लॉग इन करो, ठीक है, मोटी स्टार्टिंग नहीं करनी है, $100 से स्टार्टिंग करो, पहले एक्सपीरियंस लो, अगर मज़ा आता है, अगर आपको वो सारे कॉइन्स मिलते हैं, अगर आपको ईज़ ऑफ ट्रेड लगता है, उसके बाद ही आप इसमें फर्दर बढ़ें। स्टार्टिंग स्मॉल, ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको ठीक लगे तो फिर आप उसको किसी भी चीज़ तक लेके जा सकते हैं। बाकी मेरा जिस तरीके से, मैं यहाँ पे अभी कॉपी ट्रेड भी करके दिखाऊंगा आपको एक दिन, ठीक है, फ्यूचर जब करूँगा तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूँगा, उसको भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं जिस तरीके से यहाँ पे काम करूँगा उस तरीके से मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करता रहूँगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि एक तो यहाँ पे आपको अगर सिर्फ ट्रेड करनी है तो KYC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको प्रॉपर लॉन्ग टर्म कुछ करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे अपना KYC कर सकते हैं। KYC मेरे को सेफ लगता है, अगर आपको नहीं भी करनी है तो आप ट्रेड उसके बिना भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये टॉप 20 में आती है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम बात करें तो 19वें नंबर की इसकी रैंक है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 15-20 हज़ार एक्सचेंज हैं आज के टाइम पे ऑफशोर की, अगर हम बात करें, जिसमें 19वें नंबर पे आना इट्स अ वेरी बिग डील, ठीक है। तो ये था, इसके अलावा बहुत सारे भाई हैं जिनके सवाल एक्चुअली रह गए हैं, 2 दिन से सवाल ले नहीं पा रहा हूँ, मैंने बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस डालूँ, लेकिन 2 वीडियोस हो नहीं पाई, तो उस चक्कर में वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं। तो कोशिश करेंगे कि कल या तो एक प्रॉपर Q&A रख लेंगे जिसमें भाइयों के सारे सवाल आ जाएंगे, बहुत सारे कॉइन हैं जो मेरे को लगता है कि हम अब उनमें एंट्री ले सकते हैं, या फिर अगर हल्की सी डिप हमें मिलती है तब उनमें एंट्री ले सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो, और एक दिन लाइव का भी सोच रहा हूँ कि एक दिन हम लोग लाइव का रख लेंगे, तो उस दिन आपके जो भी सवाल हैं उन्हें हम फटाफट से निपटा लें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, फैमिली का हिस्सा बने, ठीक है, कमेंट करके बताएं, आपको कमेंट में तो एटलीस्ट मैं कमेंट सेक्शन में सबको रिप्लाई कर ही रहा हूँ, अगर मेरे को अलग से वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो कल मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।